students, welcome again to my YouTube channel, Unique Mathematics by PJ. Now in today's video, we are going to continue the topic 3D coordinate geometry, and today we are going to learn the angle between line and plane. एक लाइन और एक प्लेन के बीच में क्या एंगल होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा समझेंगे हम. लेट द इसके दो फॉर्म होते हैं, वी नो दैट, वन इज कार्टेशियन फॉर्म एंड वन इज वेक्टर फॉर्म. थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझे कि ये मेरा प्लेन है, दिस इज द प्लेन, और ये मेरी लाइन है. जो प्लेन में डीआर होते हैं वो उसके नॉर्मल के डीआर होते हैं. द डीआर ऑफ प्लेन आर द डीआर ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, लाइक दिस. अब अगर मेरी ये कोई ये पेन मेरी एक लाइन है, अब आप सोचिए, अगर ये लाइन अभी मैंने इस तरह से प्लेन में रख दी, इट मींस ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हुई, पर कंडीशन किसकी लगेगी, 90 डिग्री की, क्योंकि जो नॉर्मल के डीआर है, जो प्लेन के डीआर है, वो तो नॉर्मल के डीआर है. और अगर मेरी ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन किसकी लग जाएगी, कंडीशन पैरेलल की लग जाएगी, क्योंकि अब यहां तो नॉर्मल के डीआर से रिलेशन है. इसलिए व्हेन वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, फॉर्मूले में चेंज हो जाता है. यूजुअली अभी तक एंगल कैलकुलेट करने में हमने कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया था, नाउ यहां पे 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा. सो फर्स्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एंड लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो. यू ऑल नो दैट हियर ए वन बी वन सी वन आर द डीआर ऑफ लाइन, एक्स वन वाई वन जेड वन आर द पॉइंट्स फ्रॉम विच लाइन पासिस, ए टू बी टू सी टू आर द डीआर ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ए टू बी टू सी टू आर द डीआर ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन. Now the angle between them is given by previous formula cos का था, कभी भी लिया, यहां हम sin क्यों ले रहे, क्योंकि there is a phase difference of 90 degree, so sin theta will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root a1 square plus b1 square plus c1 square into root a2 square plus b2 square plus c2 square. Now if theta is 0 degree, line is parallel to plane, it means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हमारी लाइन जो है वो प्लेन के कैसे हो गया, पैरेलल, और कंडीशन कौन सी, और ये मेरी ये फिंगर मेरी लाइन है, लाइन और प्लेन के बीच में वैसे तो लाइन प्लेन पैरेलल है दोनों, तो कंडीशन लगेगी परपेंडिकुलर वाली. देयरफॉर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज जीरो, एंड 90 डिग्री होगा तो लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट मीन्स ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू. दिस इज द कंडीशन फॉर लाइन एंड प्लेन. सिमिलर फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, वी नो दिस, दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म, एंड आर डॉट एन इज इक्वल्स टू बी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन साइन थीटा इज बी डॉट एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एन, थीटा जीरो डिग्री, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, मीन्स बी डॉट एन इज जीरो, थीटा 90 डिग्री, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, मीन्स बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एन और एन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी. सिंपल क्वेश्चन ऑन इट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन. द लाइन इज गिवन टू यू, प्लेन इज गिवन टू यू, फ्रॉम द लाइन यू कैन फाइंड द डीआर ए वन बी वन सी वन, दैट इज थ्री माइनस वन टू, फ्रॉम द प्लेन यू कैन फाइंड द डीआर ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, दैट इज थ्री फोर वन, यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, वी गेट साइन थीटा इज थ्री इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू फोर प्लस टू इंटू वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. सो साइन थीटा इज नाइन माइनस फोर प्लस टू अपॉन रूट फोर्टीन रूट ट्वेंटी सिक्स. Solving this, it is 7 upon root 14 root 26, which can be written as root 7 upon root 52. Root 14 में से root 7 ऊपर cancel हो गया, root 2 denominator में बचा, root 2 into root 26 is root of 52. So this is what the formula of angle between line and plane and example on it. Now we take an example of
find the distance of the point minus 1, minus 5, minus 10 from the point of intersection of the line x minus 2 by 3, y plus 1 by 4 equal to z minus 2 by 12 with plane x minus y plus z equals to 5. एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लाना है और उस इंटरसेक्शन पॉइंट का इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस लाना है। चलिए, कभी भी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट लाने का तरीका क्या है, या लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी लाना हो तो व्हाट इज द मेथड? नथिंग, वन वेरी सिंपल थिंग यू कैन डू, ऑन लाइन यू कैन कैलकुलेट अ पॉइंट। सपोज इस लाइन को मैंने लैम्डा के इक्वल रख दिया, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आई कैन कैलकुलेट एक्स इज 3 lambda plus 2, y is 4 lambda minus 1, z is 12 lambda plus 2. ये पॉइंट क्या आ गया, लाइन पे कोई पॉइंट आ गया। अब मैंने सपोज कर लिया कि यही पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर यही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये जो पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन में अगर हम डाल देंगे तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई, दैट इज जीरो। अगर लैम्डा जीरो आ गया तो मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2, माइनस 1 और 2। अब इस पॉइंट की इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस लगानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हमको मिल गया डिस्टेंस। इसी क्वेश्चन को ये वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता था, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ये वेक्टर फॉर्म में होती, r इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k के प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 12k के, एंड r प्लेन होता r डॉट i माइनस j प्लस k के इक्वल टू 5। तो हम क्या कर सकते थे, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके सिमिलर वे में कर सकते हैं। तो जो समझ सिमिलरली इसमें क्वेश्चन आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, आप दोनों लाइन पे एक एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, एक को लैम्डा एक को म्यू लिखिए। अब सपोज कर लेते हैं हम कि वो दोनों पॉइंट क्या है, सेम है। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल करेंगे, फर्स्ट दोनों कोऑर्डिनेट से लैम्डा और म्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो लैम्डा और म्यू अगर थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सही हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। सिमिलर वे विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑन एंगल बिटवीन लाइन ऑन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। एज आई वाज टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, टू लाइन्स, फर्स्ट इज x प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय 5 इक्वल टू z प्लस 3 बाय 4, एंड द सेकेंड लाइन इज x प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू y माइनस 4 बाय 1 इक्वल टू z माइनस 5 बाय 2। नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। एज आई वॉज टेलिंग यू, लेट फर्स्ट लाइन बी इक्वल टू लैम्डा एंड सेकंड लाइन बी इक्वल टू म्यू, देन एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस। सो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, एनी पॉइंट पी ऑन लाइन 1 इज 3 लैम्डा माइनस 4, 5 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा माइनस 3, एंड एनी पॉइंट क्यू ऑन लाइन 2 इज म्यू माइनस 1, म्यू प्लस 4 एंड 2 म्यू प्लस 5। नाउ इक्वेटिंग, लेट पी एंड क्यू आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। हमने ऐसा अज्यूम किया कि पी और क्यू दोनों क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इट मीन्स देयर कोऑर्डिनेट्स मस्ट कोइंसाइड, उनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए, मीन्स 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल होना चाहिए म्यू माइनस 1 के, 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल होना चाहिए म्यू प्लस 4 के, और 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू होना चाहिए 2 म्यू प्लस 5 के। नाउ बाय द इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैलकुलेट लैम्डा एंड म्यू। 3 और 4 की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं लैम्डा एंड म्यू, जो आए लैम्डा इक्वल टू 0 एंड म्यू इक्वल टू माइनस 3। जब हमने ये वैल्यू इसमें पुट करी, फिफ्थ के एनएचएस में वैल्यू पुट करी लैम्डा की 0 तो आया माइनस 3, और फिफ्थ के आरएचएस में म्यू को माइनस 1 पुट माइनस 3 पुट किया तो आया माइनस 1, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इट मीन्स लैम्डा और म्यू की ये वैल्यू जिनको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दीज लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। इफ दीज लाइन्स वर इंटरसेक्टिंग एलएचएस आरएचएस की वैल्यूज सेम आ जाती, और जब एलएचएस आरएचएस की वैल्यू सेम आ जाती तो वही लैम्डा और म्यू हम पी और क्यू में पुट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते जो दोनों इक्वल आ जाते। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। दिस इज ऑल्सो द वे टू प्रूव दैट इफ टू लाइन्स आर नॉट स्क्यू then they must intersect। अगर दो लाइन स्क्यू नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेगी। कोई मुझे कहता है प्रूव दैट द टू लाइन्स आर नॉट स्क्यू मीन्स दे विल इंटरसेक्ट। सो नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट वी हैव लर्न द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन,
how to calculate the angle between line and plane. Simple example on that. And angle between the intersection point between the line and plane and intersection point of two lines. Hope आपको ये समझ में आया होगा. कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. थैंक यू. हैव अ गुड डे.